हेलो दोस्तों, मैं बी के यादव। आज हम बताएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन में सबसे आसान तरीका। देखिए, ऐसे सवाल है इसे कैसे निकालते हैं, इस पर लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और वो करते हैं। इसमें हम आपको सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं इसको, हम मात्र 2 सेकंड, और 2 सेकंड में, केवल 1 सेकंड में। अगर पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक ज़रूर करें। देखिए हम कैसे बताएंगे। देखिए, संख्या अगर इसमें हम गुणा करेंगे और वो करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, ये कितना है 9, तो इसको हम 9 लिख लेंगे। जितने आगे ये 9 हैं उतने ही हम 0 बढ़ा देंगे, ये कितना आएगा 900। और ये इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसमें से हम 4 घटा देंगे तो हमारे कितना आंसर आएगा 896, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मान लो 1/5 प्लस कितने भी नौ मान लो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 नौ मान लो, और 495/495 इंटू कितना है 9, 9। हमने अभी क्या बताया था आपको कि 99 है, तो जितने यहाँ 9 होते हैं उतने हम 9 लिखेंगे यहाँ 1, 2। यहाँ कितने 9 है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हम 0 बढ़ा दें, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये हमारा आंसर कितना होगा, ये होगा। अगर इसका ये पूरा कट जाता है 99 से 5 एलसीएम आ जाएगा तो पूरा कट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। और देखिए एक और अगला क्वेश्चन इसमें बताएंगे, से यह है 1/7 प्लस ये 99 62/63 इंटू 9। देखिए ये 9 7 3 7 बार कट जाएगा, ये 7 आएगा ऐसे, ये 5 बार कटेगा, ये 5 आएगा एलसीएम हो जाएगा। तो कितने 9 है, ये 1 9 है, कितने 9 है यहाँ पर 3, 1, 2, 3। तो ये कितना आंसर होगा हमारा 9000, ये होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।